उनका ये कहना है कि वे जब भी कोई गाना गाती है वे कोशिश करती है कि वे उसको जज्ब कर ले और अपने शरीर में उतार ले, और शायद इसी वजह से उनके गीतों में एक अलग ही खुशबू है। फिल्म फेयर अवॉर्डी फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर 2010, आईफा अवॉर्डी फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर 2010, मिर्ची म्यूजिक अवॉर्डी फॉर लिसनर्स चॉइस सॉन्ग 2010 और ऐसी कई पुरस्कारों से नवाजी गई हमारे आज के माइक सेशन के अतिथि है वे, जिनके रग रग में संगीत है, भारत की प्रसिद्ध गायिका कविता सेठ जी। इंस्पायरिंग वर्ड्स द्वारा पेश किए गए आज के माइक सेशन में मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा हजारिका। तो चलिए कविता जी के जीवन के कुछ अनमोल लम्हे हम साथ में जिए। नमस्ते मैम, आपको इंस्पायरिंग वर्ड्स द्वारा पेश किए गए इस माइक सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा हजारिका और आपके साथ बात करने के इस अवसर को प्राप्त कर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ इस माइक सेशन के द्वारा हमें और हमारे दर्शकों को आपके बारे में जानने का शुभ अवसर प्राप्त होगा मैम। जी मैम, अगर हम संगीत की बात करें विशेषकर सूफी और गजल की, तो आपकी जितने भी तारीफ करें कम है। मैम, अगर संगीत की दुनिया में आपकी पहली प्रेरणा कौन रहे हैं और आपके संगीत के सफर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे मैम? संगीत की प्रेरणा तो मुझे लगता है ये तो कुदरती मुझे मिली ही, और मतलब जब से होश संभाला है मैं गा ही रही हूँ, और काफी शौक रहा है मुझे बचपन से गाने का, और मतलब मुझे लग रहा है मैं जब से होश संभाला है मैं मुझे म्यूजिक के अलावा कुछ समझा ही नहीं, और बहुत ज्यादा शौक रहा। लेकिन मेरे घर में कोई म्यूजिक का किसी को इतना शौक नहीं था, कोई गाता इतना गाने बजाने का शौक नहीं था। मेरे तो बहुत ज्यादा था, मैं रेडियो में भी जैसे स्कूल से आती थी तो सबसे पहले 12:30 बजे का जो एक शो रहता था रामपुर रेडियो का, वो सुनती थी। मैं डेली रेडियो लगाती थी, तो मतलब दिन भर सुनने के बाद एक दिन मेरे मन में आया कि मैं खुद गा सकती हूँ क्या रेडियो पे। जी, ये सवाल जब मेरे मन में आया तो एक अंकल थे वहाँ बरेली में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई भी गा सकता है रेडियो पे? बोले हाँ, ऑडिशन दो तो तुम भी गा सकती हो। मैं कैसे? बोले मैं अच्छा फॉर्म ला के दूंगा, तुम ऑडिशन देना, उसकी तैयारी कर लेना, तो तुम भी गा सकोगे। तो इस तरीके से मेरी रेडियो की जर्नी शुरू हुई। मैंने ऑडिशन दिया और मेरा रेडियो का गाना स्टार्ट हो गया। बरेली में नाइटिंगेल मेलोडी क्लब में ओपी नैयर साहब जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया। तो मैंने घर आके बोला भी कि भाई मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला, तो किसी को इतना कोई वो नहीं हुआ, अच्छा ठीक है भाई दिया होगा अवार्ड। जी, मतलब किसी को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जैसे आजकल तो लोग जरा सा बच्चे में टैलेंट देखते हैं, लोग कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बॉम्बे आके शिफ्ट हो जाते हैं, वो चीज नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्स ने साफ साफ बोल दिया भाई शादी हो जाए, हस्बैंड गवाए तो गाना, नहीं तो हम तो नहीं तुमको बॉम्बे ले जा पाएंगे। तो फिर एक जहन में ये था कि भाई जो पार्टनर मिले मुझे वो मेरे को सपोर्ट करे म्यूजिक में तो अच्छा रहेगा। और आई वॉज जस्ट 20 ईयर ओल्ड दैट टाइम, और मेरी शादी तय हो गई। जस्ट मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया, भाई सब हो जाते थे, मतलब यही होता था कि ग्रेजुएशन हुआ और शादी कर लो बच्चों की। अच्छा, तो वैसे मेरी अभी तो मेरी बस मुझसे पेट के साथ यही शर्त रही कि तुम मुझे गाने के लिए नहीं रोकोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब बरेली से लेकर के बॉम्बे तक के सफर में, मतलब मेरी शादी के बाद मैं आसाम में रही, वहां पर भी मैं रेडियो टीवी पे गाती रही, फिर दिल्ली में मैंने प्रोफेशनली शो कॉन्सर्ट करना शुरू कर दिया, फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। तो जब तक वो जिंदा रहे 2011 तक, बहुत बिल्कुल इस तरीके से मेरी एक बैकबोन थे मेरे, और हमारा वन मैन आर्मी था, मैं सिर्फ गाती थी और बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। कल ही उनका बर्थडे भी था, मैं हर साल उनकी डेथ के बाद से हर साल उनकी मेमोरी में कॉन्सर्ट करती हूँ। इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाई, तो मैंने जस्ट फेसबुक लाइव ही कर पाई। बस जी मैम, जैसा ऊपर वाले की मर्जी होगी तो
शायद मुझे लगता है जब आप वो किसी भी चीज की बहुत शिद्दत से तलाश होती है ना, आप चाहते बहुत ही मतलब चौबीसों घंटे उसी को सोचते हो, तो ऊपर वाला किसी ना किसी को एंजल बना के भेज देता है और वो आपको सपोर्ट करता है, जब पूरा हो जाता है फिर वो चला जाता है। मुझे अपनी स्टोरी वैसी लगती है कि वाकई इन्होंने मुझे इस मकान तक पहुंचाया एंड उसके बाद वो दुनिया से पूछ कर गए। जी मैम, मैम आपके व्यक्तिगत जीवन में संगीत की क्या भूमिका रही है और जीवन के अनेक मोड़ पर संगीत ने आपको किस प्रकार सहायता की है? बहुत ज्यादा, एक्चुअली म्यूजिक तो अपने आप में तो हील करता है लोगों को, और जब भी कभी आप नेगेटिव फील करते हो तो उतनी पॉजिटिविटी मिलती है। आप जब भी किसी भी टाइप का म्यूजिक जैसा आपको शौक है आप सुनते हो, तो मुझे लगता है यदि मेरे जिंदगी में से संगीत माइनस कर दो तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। संगीत का बहुत बड़ा रोल रहा है और उसके बगैर मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी मैम, जी मैम, आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ थी और तब आपके मन में क्या भावनाएं रही? स्टेज परफॉर्मेंस मैं बरेली में भी करती थी। बरेली में क्या होता था, वहाँ ऑडिटोरियम जो ऐसे तो चीजें नहीं थी, लेकिन महफिल और इस तरीके से बैठक वगैरह होती थी तो काफी हम लोग करते रहते, तो मैं इंतजार करती थी कि किसी के यहाँ भी कोई बैठक या महफिल हो तो मुझे गाने का मौका मिलेगा। बड़ी मतलब मैं बेसब्री से इंतजार करती थी उस चीज का। और हमेशा मुझे, मैंने कई बार बताया भी है कि हमेशा मुझे जब मैं छोटी थी मैं गाती थी तो मुझे हमेशा एक विजुअल दिखाई देता था कि मैं स्टेडियम में हूँ और लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं। और वो अब मैं सोचती हूँ कि सब कुछ तय है डेस्टिनी में और वो ऊपर वाले में ही, वो हम चार बड़े सिस्टर हैं, वो सपना सिर्फ मुझे ही क्यों आता था, बाकियों को क्यों नहीं आया? तो मतलब वो चाहता था कि मैं कुछ आगे बढ़ू आगे बनू, तो जो एक प्यास थी संगीत को पाने की या संगीत में कुछ करने कर गुजरने की, तो वो प्यास भी वही देता है और रास्ते भी वही बनाता है। तो सब कुछ ऊपर वाले का कर्म है जिन्होंने मुझे चुना कि मैं, कई लोग बोलते हैं कि आप सूफी म्यूजिक में करती, मैं सूफी म्यूजिक नहीं करती, सूफी म्यूजिक ने मुझे चुना है और इसलिए मैं गा पा रही हूँ। जी बिल्कुल, ये काफी प्रेरणादायक थी मैम। मैम, संगीत के क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण या फॉर्मल ट्रेनिंग का क्या महत्व है, क्या आप इस बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगी मैम? बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो लोग नेचुरल सिंगर होते हैं, शुरू में तो मैं भी ऐसी नेचुरली गा रही थी, लेकिन यदि आपको सब्जेक्ट में डीपली जाना है तो उसकी टेक्निकलिटीज आना जरूरी है और उन सब का रियाज करना भी जरूरी है। तो उसके लिए क्लासिकल म्यूजिक आप जितना अच्छे से सीखेंगे, फिर उसके बाद आप चाहे लाइट म्यूजिक गाएं चाहे पॉप म्यूजिक गाएं, जो मर्जी भी है वो गाएं, लेकिन बेसिक जो ट्रेनिंग होती है ना, नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है, फिर आप उसके ऊपर कितनी मंजिल की इमारत बनाए सब चलेगा। मैम, आपको सूफी गानों और गजल में ऐसी क्या चीज पसंद आई कि आप इन दोनों में अधिक रुचि रखने लगे? बचपन से गजलों का माहौल मिला जो मैं इन सबको शायरों को सुनती आई हूँ बरेली में। उसके बाद मेरे फादर मुझे दरगाहों से जैसे लेके गए हैं बरेली में, खान शाह नियाजिया की दरगाह में, वो सारे कहीं ना कहीं जहन के उसके बीच पड़ गए थे। उसके बाद मैंने बहुत सारी फॉर्म गाई लेकिन मुझे किसी में सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मैंने जब सूफी फेस्टिवल में एक बार पार्टिसिपेट किया था आबिदा परवीन जी के साथ दिल्ली में, तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और उसी से मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये ही करना है, मुझे सूफी म्यूजिक में ही जाना है, क्योंकि जितना सुकून और आप गाते गाते ट्रांस में चले जाते, जितना आनंद इस फॉर्म में है मुझे किसी और फॉर्म में नहीं मिला। जी जी मैम, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैम, मैम आपका ये कहना है कि ऐसी अनेक अच्छी चीजें होती है शायरों की अथवा कवियों की, और कई बार ऐसा होता है कि वह स्टेज तक नहीं ला पाता और फलस्वरूप ये सिर्फ किताबों में बंद होकर रह जाती है, तो आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आप इन अनकही लेकिन अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाएं मैं कविता हूं नाम के इनिशिएटिव से। मैम, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कविता हूं जो बीच में कई सालों पहले मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं जगदीश प्रकाशी, उन्होंने मुझे नज्म दी थी मैं कविता हूँ, बल्कि मैंने उनको फोन करके बोला कि आपने मेरे लिए लिखी है कि मेरे ऊपर लिखी है, क्योंकि दोनों चीजें हैं ऐसी, तुम्हारे लिए भी है और तुम्हारे और मतलब कविता पोएट्री के लिए भी है, तुम्हारे लिए भी, दोनों के लिए। तो
वो जो वर्ड था उस लग्न का, मैं कविता हूँ, वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं तो रच बस गया। मैं बहुत दिनों से कुछ अपना करना चाह रही थी, काफी टाइम से। फिल्में तो ठीक है, फिल्म का गाने के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते, लेकिन फिल्म के बियॉन्ड कविता सेट क्या है, तो मैं उससे कुछ करना चाहती थी। जब मैंने एक वेब सीरीज स्टार्ट की, मैं कविता हूँ, उसमें मैं हर एपिसोड में एक शायर का एक कलाम चुन रही थी और गाती थी, लेकिन मुझे उसमें भी तसल्ली नहीं मिल रही थी। मैंने कहा एक गाने में आप कैसे पूरे एक शायर को बांध सकते हो कि उसने पूरी जिंदगी जितना कुछ लिखा है, आप उसको एक गीत से तो नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तो मुझे लगा कि मुझे एक लाइव कॉन्सर्ट का एक, उसको मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया, उसको लाइव कॉन्सर्ट में उसका डिजाइन किया, एंड आई स्टार्टेड चार पांच मैं इससे कॉन्सेप्ट कर चुकी हूँ। डॉक्टर वसीम बरेली के प्रोग्राम से शुरू किया था कि वो अदरवाइज क्या होगा, आजकल लोगों को जैसे पढ़ने का शौक कम रह गया है, तो जो उन्होंने किताबों में लिखा है वो वहीं का वहीं बंद रह जाएगा। गानों के माध्यम से वो चीज ज्यादा जल्दी फैलती है लोगों तक, और कम से कम लोग सुनेंगे जब वैसे कि अरे ये इनका है, ये इनका, तो और लोग उनके बारे में सर्च करेंगे या उनसे रिस्क करेंगे। तो वो मेन मकसद था मेरा कि मैं शायर की जो पोइट्री है और ऑडियंस है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करें, एक माध्यम बनू लोगों तक पहुंचाने का शायर की जो पोइट्री है। तो वो मेन मकसद था, और मुझे लगता है मैं थोड़ा थोड़ा जो जितने भी मैंने दो चार कदम बढ़ाए वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा, और ये इसके लिए भी मैं कहूंगी कि ऊपर वाले ने मुझे इसके लिए चुना, तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा जी की। मैं ये जो मैं कविता हूँ सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, तो अच्छे से निभा पा रही हूँ जी, कर पा रही हूँ जी। मैम ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव रही है मैम। मैम भारत के वर्तमान संगीत का परिदृश्य या सिनेरियो देखकर आपका क्या कहना है इस बारे में? वर्तमान में एक्चुअली संगीत का तो भविष्य अच्छा ही है। राइट नाउ जो संगीत की बात की जाती है, तो ये तमगा ठोक दिया जाता है कि बॉलीवुड म्यूजिक को ही म्यूजिक बोला जाता है, जो कि नहीं है। बॉलीवुड म्यूजिक इज अ पॉपुलर म्यूजिक, और जो जो बेस्ट होता है ना कंट्री का या ग्लोबल कहीं का भी, उसमें से जो बेस्ट बेस्ट चीजें होती है उन्हीं को थोड़ी तरीके से इम्प्लीमेंट करके वो बॉलीवुड के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है। अदरवाइज इंडियन म्यूजिक इज वेरी वेरी रिच, इतना ज्यादा। आप चाहे क्लासिकल म्यूजिक उठाइए, फोक म्यूजिक उठाइए, सूफी म्यूजिक उठाइए, कहीं भी किसी भी स्टेट का फोक ले लीजिए, इतना गजब का है कि मैं तो समझती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि हम इतनी अच्छी जगह हम लोगों का जन्म हुआ, और इतना रिच हमारा कल्चर है, इतना रिच हमारा संगीत है। तो ये तो और इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इंडिया में पैदा हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, तो जो इस चीज को आगे लेकर के जाएंगे। बस लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि प्लीज जड़ों से जुड़े रहें, और उसके बाद आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करें तो चलेगा। जैसे मैंने अभी एक ठुमरी बहुत ही कंटेम्प्रेरी स्टाइल में मैंने गाई है, सारी गुलाबी चुनरिया रे जो सुबह बेटी की ठुमरी थी, और उसको कनिष्क जो मेरे बेटे उन्होंने उसका म्यूजिक अरेंज किया है। तो वो पूरा जो क्लासिकल बंदिश को जो नए साउंड के साथ जो उन्होंने जेल किया है, और उसका इतना वीडियो भी इतना क्लासिक एक पेंटिंग की तरह से उसने आप खूबसूरत बनाया, तो ये है मास्टरपीस। तो इस तरीके की चीजें बनेंगी तो जरूर संगीत बहुत आगे जाएगा। मतलब ये कहना कि जैसे आपका फ्यूजन का दौर है, फ्यूजन तो करें लेकिन कंफ्यूज ना करें प्लीज। जी मैम, आपके बेटे आपके साथ परफॉर्म करते हैं, और हाल ही में आपके बेटे कविश जी ने नूरी नाम के वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है। आपका परिवार संगीत में कैसी रुचि रखती है मैम? हम तीनों म्यूजिक में हैं, मैं कविश और कमिश, लेकिन हम तीनों के तीन जो होता ना ट्राइंगल, उसके तीन अलग कोने हैं। मेरी अलग अप्रोच है म्यूजिक को लेकर, कविश की अलग अप्रोच है। कविश इज वेरी वेरी रूटेड, उसको बिल्कुल भी जो आजकल की टेक्निकल या टेक्नो साउंड ही है। एंड कनिष्क जो छोटे हमें हैं, कनिष्क वो पूरा मॉडर्न साउंड
टेक्नो और ईडीएम और पता नहीं क्या क्या वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनका एक अलग स्टाइल है. तो मैं सब म्यूजिक कर रहा हूँ, लेकिन बस एक कॉमन चीज है कि तीनों म्यूजिक कर रहा हूँ, बाकी सबके डायरेक्शन अलग अलग है. हाँ, ये तो काफी अच्छी चीज है मैम. मैम, आप कौन से कंटेम्प्रेरी सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के गीतों में ढाल रखती है और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करने की चाह भी रखती है? मैं सभी के साथ काम करना चाहती हूँ जो अच्छा काम करते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है जी. और मैं बहुत सारे लोगों के साथ कोलेबोरेशन करती आई हूँ जी, और आगे भी करती रहूंगी. मतलब एक सोल कनेक्शन वाली थी तो वो होना चाहिए, वो जरूरी है. हाँ, वो आप एक उसमें जब जल कर जाते हो तो फिर वो कोई भी आर्टिस्ट हो, मजा आता है उनके साथ. ओके मैम, स्पेसिफिक में ऐसा नहीं कह सकती हूँ की मैं, मुझे सिर्फ उसी के साथ करना, हम ओपन विद एवरीवन. जैसे मैंने लास्ट जो कोलैबोरेशन किया कश्मीर के साथ, एक बॉम्बे ड्रीम्स करके एक जो सॉन्ग आया है, मतलब इंडिपेंडेंट सॉन्ग में मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा हिट कोई गाना हुआ होगा कि मैं सड़क चल के बॉम्बे में कहीं पर लोग मुझे रोक करके बोले कविता जी बॉम्बे ड्रीम बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा गाया आपने. मतलब जब फिल्मी गाने तो ठीक है, लोग उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट सॉन्ग वो अमेरिका के एक बहुत फेमस डीजे हैं जिनके साथ जो मैंने कोलैबोरेट किया, तो वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी. और मेरे कुछ गीत हैं वो टुमारोलैंड में म्यूजिक में ओपन हुए, बट मैं वैसी हूँ, मैं जैसा मैं गाती हूँ लेकिन लोग मेरे अंदाज को अपने तरीके से, मैं जैसे पानी होता है ना वो जिस बर्तन में रखो वैसी शेप ले लेता है, तो मैं उसी तरीके से चाहती हूँ कि मेरा जो संगीत है वो बस पानी की तरह बहता रहे, जहाँ जिस रूप में जाए उसी रूप में ढल जाए. तो जो लोग ईडीएम करते हैं वो अपने तरीके से सजा देते हैं, मैं अपने अंदाज में गाती हूँ. जो लोग कुछ मॉडर्न म्यूजिक करते हैं वो उसको अपने तरीके से सजा देते हैं, लेकिन सोल वही रहती है. आशा करती हूँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो मैम. थैंक यू मैम. एक तरह आपका एक ऐसा गाना रहा है जो अभी भी हमारे प्लेलिस्ट के सबसे ऊपर रहती है. मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि मैं एक बहुत बड़ी फैन हूँ आपके इस गाने की, और उस समय जब हम स्कूल जाते थे तो दोस्तों के साथ अक्सर एक तरह गाया करते थे मैम. एक तरह जी मैम, एक तरह को लेकर आपकी कैसी अनुभव रही है मैम? इस गाने में ऐसी क्या खास बात रही है जो अभी लोगों की धड़कन तेज कर देती है? इस तरह बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है अमित त्रिवेदी की, और बहुत ही मैं जब भी जब तक ट्रैक गाके आई थी तब भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं उसके वो जो ट्यून थी वो रह गई थी. तब हम घर में डिस्कस करते थे, यही बोलते थे कि कुछ तो बात है, ये गाना बहुत खींचता है. तो वाकई इस गाने में बहुत बड़ा करिश्मा है कि 10 साल हो गए उस गाने को रिलीज, 10 साल से ज्यादा 11 साल हो गए, और आज भी सारे रेडियो भी बजता है और हम भी प्लेलिस्ट में है. बहुत बड़ा आशीर्वाद है खुदा का, ऊपर वाले का, कि इतना बेहतरीन गाना मुझे गाने को मिला, और इतने सारे लोगों ने मुझे अपने दिल में जगह दी उस गाने के माध्यम. बिल्कुल मैम, मुझे पूर्ण विश्वास है मैम कि इस गाने ने अनेक लोगों की रूह को छुआ है, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस गाने के लिए. थैंक यू मैम. अपने जुनून के साथ आगे बढ़ने वाली इस युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या सपनों में उड़ान भरने की कोई एज लिमिट होती है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई एज लिमिट नहीं होती. सपनों आप जब भी करें तो खाली थोड़ा देखें, उसकी तरफ काम करना शुरू करें, वो जरूरी है, तो आपके जरूर सपने भी पूरे होंगे. 100% वो जरूरी है, और फुल डेडिकेशन के साथ. वो खाली एक भ्रम ना हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ. जो बनना चाहते हैं उसके प्रति जी इसमें उतना डेडिकेशन भी चाहिए. जी मैम. मैम, आपका ये कहना है कि आप जब भी कोई गाना गाती है आप कोशिश करती है कि आप उसको जज्ब कर ले और अपने शरीर में उतार ले और फिर आप गाती है, और इसलिए हमें ये लगता है कि आपके गानों में एक अलग किस्म की खुशबू है जो हमारे आत्मा तक को छू जाती है. मैम, क्योंकि वही कोशिश रहती है कि यदि वो रूह से नहीं गाया गया तो उस गाने का तो फिर बहुत लोग गा रहे हैं, तो उस गाने का मतलब ही नहीं रह जाता. जी मैम, तो वो बहुत जरूरी है कि आप गाने को, मैंने ये चीज सीखी अन्नपूर्णा जी जो रविशंकर जी की वाइफ थी, उनका एक इंटरव्यू में मैंने बात पढ़ी थी, वहीं से मैंने ये
अपने जीवन में उतारने की कोशिश की थी। आप जो भी काम करो जी टोटल 100% डेडिकेशन के साथ, खासतौर से संगीत में जब आप शब्दों को गाते हैं उन शब्दों को जीना सीखो। तो मेरी बस वही कोशिश है कि जो भी मैं गाऊं मैं पूरा अपना 100% दे पाऊं। जी प्रयास है जी मैम। मैम अंत में मैं और हमारे सभी दर्शक आपसे दो लाइनें अवश्य सुनना चाहेंगे मैम, एक तरह के दो लाइनें हो जाए प्लीज। तू ही जाने तू क्या सोचता है बाबरे, मुँह दिखाए सपने तू सोते जागते, बदते सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलू देखना से तू हरी जाने रास्ते, मुझे साहे कोई एक तरह एक तरह, मुझे साहे कोई एक तरह। जी बहुत खूबसूरत मैम, धन्यवाद मैम। इंस्पायरिंग वर्ड्स की कम्युनिटी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बहुमूल्य समय के कुछ क्षण हमारे साथ व्यतीत करने के लिए आपको अनेक धन्यवाद मैम। थैंक यू, बहुत थैंक यू मैम। हमें विश्वास है कि आपकी जीवन यात्रा अथवा आपकी संगीत दुनिया के हर एक कोने में रहने वाली युवा पीढ़ी से लेकर ज्येष्ठ जनों तक सभी को अनुप्रेरित करेंगी मैम। आपसे बात करके अच्छा लगा मैम, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आशा करती हूँ हमारे आज के विशेष अतिथि कविता सेठ जी ने आप सभी को अनुप्रेरित किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इंस्पायरिंग वर्ड्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सारी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़िए। आज के माइक सेशन से मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए।